हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद टुडे द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन. बेटा फ्रॉम दैट वी स्टार्ट विद फर्स्टली द टॉपिक रिलेशन. इंट्रोडक्शन आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू ऑन सैटरडे, सो टुडे आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक जो रिलेशन को डिफाइंड करने के लिए यूज होता है, दैट इज कार्टीजन प्रोडक्ट. हाँ जी बेटा. अब बेटा, जैसे हम नॉर्मली नेचुरल नंबर्स में हम प्रोडक्ट करते थे, किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है वी यूज द कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट, ओके. बट हम सेट्स को मल्टीप्लाई जब करते हैं उसके लिए हम मल्टीप्लाई वर्ड यूज नहीं करते. सेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वी हैव टू यूज द नेम कार्टीजन प्रोडक्ट, ओके. अब कार्टीजन प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होता है? सपोज एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4. सपोज एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी. हम कार्टीजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, हम बोलते ही ए क्रॉस बी या कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, हम इसको ए मल्टीप्लाई बी नहीं बोलते. इसमें हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होंगे. आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर मतलब x कॉमा वाई की फॉर्म में, ओके. x कॉमा वाई की फॉर्म में सच दैट अगर x कॉमा वाई की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं तो इनकी टाइप कैसी होगी, कहां से लें? जो x एलिमेंट है ना बेटा, वो हमेशा फर्स्ट सेट से होता है, सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए. और जो सेकेंड एलिमेंट वाई, दैट बिलोंग्स टू सेट बी. ये है ही मेरे पास जो है कार्टीजन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है. अब इस एग्जांपल में लू कि कार्टीजन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं. कार्टीजन प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए यहां पर देखिए ए क्रॉस बी, ध्यान से देखना बेटा. वन के एक्स वन लिया तो बी से ए भी ले सकती हूँ, x1 लिया b से b भी ले सकती हूँ, x1 लिया c, c एलिमेंट भी ले सकती हूँ, ओके. उसके बाद 2 के साथ a, 2 के साथ मेरे पास b, 2 के साथ मेरे पास c, ऐसे ही बेटा 3 के साथ a, 3 के साथ b, 3 के साथ c. आफ्टर देन मेरे पास 4 के साथ a, 4 के साथ B, 4 के साथ C. ये मेरा A क्रॉस B कार्टीजन प्रोडक्ट होता है, ओके बेटा, क्लियर. जिसमें पहले पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट को बिलोंग करता है एंड द सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट. देखो A B C, A B C किसको बिलोंग कर रहे हैं? दे बिलोंग्स टू सेट. दैट्स व्हाई दिस इज द डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन. उधर चले जाओ, प्रॉब्लम है ऑफ ए क्रॉस बी, ओके बेटा. बात क्लियर होगी सबको, कोई डाउट तो नहीं है ना. अब सेकंड बात करें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. वेरी इजी, मेरे पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है कितने होंगे मेरे पास ए क्रॉस बी में, जितने ए में एलिमेंट्स है मल्टीप्लाई और जितने बी में एलिमेंट्स है. ए में एलिमेंट्स कितने? 1 2 3 4. और बी में 3, कितने हो गए? 12. अब आप देखिए क्या इसमें 12 एलिमेंट्स थे. सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. बने कि नहीं बने? ओके, क्लियर. कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ पर किसी को, ठीक है. यहाँ पर क्लियर कट पता चल जाता है कि कितने एलिमेंट्स है हमारे पास n, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n a क्रॉस b, कि a क्रॉस b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के पाएंगे. सबको क्लियर? अच्छा याद रखना, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, क्योंकि अगर मुझे b क्रॉस a लिखने हैं तो हर एक में a पहले आ जाएगा, B पहले आ जाएगा, C पहले आ जाएगा. Is that clear? कोई डाउट तो नहीं?
यहाँ पर किसी को? एनी डाउट टू एनी वन? चले बेटा आगे, वन वन है उसमें, वन है उसमें, वन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, फिर तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, हम रीअरेंज करने के लिए डजंट मैटर, हम ए को अपनी तरफ से, क्योंकि जब हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं, नॉर्मली आप नाइन्थ में टेंथ में लिखते थे, पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस, आप उसको उल्टा नहीं ना कर सकते। दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी में जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट जैसा पॉइंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर, जो एक्स कॉमा वाई है इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि इसमें पहला एलिमेंट जो है एक तरह का, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं, एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वाई पे है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट बी को, इसीलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रह सकते, वो सेम ही रहेंगे, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस, डजंट मैटर। ओके जी, क्लियर? अब बेटा मेरे पास जो है यहां से कुछ चीजें मैं बिफोर स्टार्टिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा आगे इसका कुछ और बताने के लिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको अभी बताया, सपोज एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू, अगर ये इक्वल है, ठीक है, 100% एक्स एक्स वाली वैल्यू इक्वल होगी एंड वाई वाई वाली वैल्यू इक्वल होगी। ओके जी, फॉर एग्जांपल 2xy ले लेंगे, एक्स थ्री बोथ आर इक्वल, और आपको कहा x और y की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ओके जी, क्लियर? नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए, उसके बाद बेटा सपोज अगर मेरे पास जो है ए एंड बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और आइदर ए और बी जो है वो इनफाइनाइट सेट है, ए या बी में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है, तो 100% बेटा मेरे पास ए क्रॉस बी भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। वो तो अंडरस्टूड है, कैसे, हम एक एग्जांपल लेके कोट कर देती हैं। देखिए सपोज मेरे पास सेट ए 1 2 3 सो ऑन, बी सेट मेरे पास ओनली ए है, या बी भी साथ में ले लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने ए क्रॉस बी मैं उसको कैसे लिखूंगी, 1a 2a 3a सो ऑन। अगर यहाँ बी भी होता तो मैं आगे 1b 2b 3b सो ऑन, रहना तो इनफाइनाइट सेट। एमसीक्यू कैसे बन सकता है, सपोज आपको दे दिया ए इज इनफाइनाइट सेट, बी इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी इज ऑफ द टाइप, पहले में आ गया नॉन एम्प्टी सेट, सेकंड में आ गया इनफाइनाइट सेट, थर्ड में आ गया नॉन एम्प्टी एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया तो नॉन एम्प्टी अपने आप हो गया, फोर्थ में आ गया नन। तो आप यहां पर बी भी सही है, सी भी सही है, क्योंकि वैसे ही इनफाइनाइट सेट होता ही नॉन एम्प्टी है, बट उसने स्पेसिफाई कर दिया, कोई बात नहीं। कई बार ऐसे होता है कि दो ऑप्शन एग्जाम में, बहुत रेयर होता है कि ऐसे दो ऑप्शन, बट हो भी सकता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सीबीएसई में भी कई बार ऐसे होते हैं किसी क्वेश्चन के दो दो आंसर होते हैं। ओके, क्लियर बेटा? चले आगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को बेटा? चले आगे, चलिए। अब बेटा मेरे पास जो है फिफ्थ एग्जांपल जो है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर डिलीटेड, क्योंकि एग्जांपल में आपको इस टॉपिक में उसने अपने आप को R क्रॉस R तक रखा हुआ है। R क्रॉस R मतलब रियल नंबर इनटू रियल नंबर ऑर्डर्ड पेयर में। आगे हम ट्रिपलेट भी करवाते थे, R इनटू R इनटू R, डजंट मैटर, तीन एलिमेंट्स लेने,
एक्स वाई और थर्ड कहाँ आ जाता है, जेड एक्सिस पे, थ्री डी में बन जाता है। वो थ्री डी होता है, आर क्रॉस आर टू डी होता है, टू डी में रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉइंट। ओके, तो वो इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड है। तो मैं बेटा आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ एग्जाम्पल थर्ड, फर्स्ट सेकेंड मैं आपको ऑलरेडी अभी समझा चुकी हूँ, फिर भी हम एक्सरसाइज में करेंगे। व्हाट थिंग आई हैव रिटन, लेट ए 1 2 3, बी दैट इज 3 4, सी 4 5 6, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। हमने ये फाइंड आउट कर लिया। जब भी आपको कंफ्यूजन लगे ना, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को कर, बी इंटरसेक्शन सी 4, ए में क्या है 1 2 3 लिख दिया, क्रॉस इसमें क्या है 4, तो क्या आ जाएगा 1 4 2 4 3 4। क्लियर? ऐसे ही सारे पार्ट्स हैं, किसी में यूनियन के साथ है, किसी में किसी के साथ है। मैं ऐसा करती हूँ, फोर्थ पार्ट करके दिखाती हूँ, इसी का फोर्थ पार्ट। ओके, कैलकुलेशंस बहुत इजी होती हैं, जो जितने भी कैलकुलेटेड सम्स हैं सेट थ्योरी में। लेट अस डू, मेरे पास दैट इज इसी का पार्ट है फोर्थ, एग्जांपल थर्ड का। हाँ जी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। पहले ब्रैकेट बोला ना मैंने, तो ब्रैकेट का मतलब है कि मेरे पास ए क्रॉस बी, पहले कैलकुलेट करेंगे। अब ए क्रॉस बी यानी इनको देखना है ना पहले, तो कैसे निकालूंगी ए क्रॉस बी, 1 के साथ 3, हाँ जी 1 के साथ 4, देन मेरे पास 2 3 2 4, देन 3 3 3 4। ओके, ये मेरा हो गया सेट ए क्रॉस बी यूनियन। अब ए क्रॉस सी, तो मेरे पास 1 4 1 5 1 6, अब यहाँ कॉमास नहीं डाले, डाल लेना, उसके बाद 2 4 2 5। लेट मी शो यू बेटा, वेट, हाँ जी, देन 2 6, देन आफ्टर देन 3 4 3 5 3 6, ये हो गया। अब दोनों सेट्स की क्या लेनी है, यूनियन लेनी है, यानी ले लीजिए यूनियन, मतलब हर एलिमेंट को लिखना है सारे के सारे, बट जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखना है। जैसे मेरे पास आया यहाँ पर आंसर 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 वाले देखें 2 3 2 4 2 5 है 2 6, देन हाँ जी 3 3 3 4 3 5 3 6, और तो कोई नहीं रह गया, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले सेट में ए में अगर मैं देखूं तो क्लियर कट है, मेरे पास जो है 3 तक ही है, यानी पहले में 3 1 2 3 आ सकता है और कोई आ ही नहीं सकता। वहां से मैंने जज किया कि मेरा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात समझ आई ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चले आएंगे अभी इसी पर बेस्ड बेटा एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज 2.1। ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हम कर रहे हैं, ये रिलेशन का एक बेस है। ओके, क्योंकि रिलेशन तभी डिफाइंड कर सकते हैं अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड कर पाए, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है, क्योंकि रिलेशन सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स है ना, कोई भी ए क्रॉस बी है, रिलेशन उनमें से कुछ एलिमेंट्स उठाए जाएंगे, कुछ या सारे के सारे, ताकि वो हमारी कंडीशन जो रिलेशन में डिफाइंड की जाती है उसको सेटिस्फाई कर, बस और कुछ नहीं। ओके जी, तो लेट अस
do firstly exercise 2.1. okay, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, सॉल्व आप खुद करोगे, पेन खुद चलाओगे ताकि आपको पता चले. हाँ जी, कैसे करना है आपने मुझे बताना. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है x ओवर 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3 1 बाय 3. चलो ध्रुव सोनिक, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x एंड y. हरी अब, वेरी गुड वेरी गुड. ध्रुव इज सेइंग कि x x वाले को कंपेयर कर लो, इक्वल कर लो, और y y वाले को कर लो, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. पहले ऑफलाइन स्टूडेंट की टर्न आएगी, फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स की टर्न आएगी. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास क्या दिया हुआ है, देखिए. इफ द सेट हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी मेरे पास उसमें 3, 4 एंड 5, दैट मींस सेट दिया हुआ है, यहाँ एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. इसमें कितने एलिमेंट्स है. चलो बेटा नेक्स्ट नेम बताओ बेटा पहले. हाँ जपन बताओ बेटा. 9, वेरी गुड. हम कैसे करेंगे, n ऑफ a क्रॉस b, n ऑफ a इंटू n ऑफ b. n ऑफ a में 3 है और n ऑफ b में भी 3 है, 3 3 9. वेरी गुड. ओके जी, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास हो गए. हाँ जी अर्शदीप, चलिए बेटा बताइए. क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास हो गए, g में सेट में एलिमेंट्स हैं 7 8, h में 5 4 2. हाँ जी बेटा, यस हिमांशु, वेट, यू वांट टू टेल ना. आई विल अनाउंस द नेम बेटा. लेट मी आस्क फर्स्टली द ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आफ्टर देन इट्स योर टर्न. हाँ जी अर्शदीप, आपने बताना है g क्रॉस h, h क्रॉस g. वेरी गुड, 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2, देन व्हाट इज एच क्रॉस जी. वेरी गुड वेरी गुड, 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8. ना ना, मैंने आपको पहले ही बोला, देखो G क्रॉस H, गुरजोत का क्वेश्चन ये है कि मैम कोई ऑर्डर का चक्कर तो नहीं पड़ता. मैंने आगे भी एलिमेंट की बात बताई हुई है, सेट में ऑर्डर डजंट मैटर. ऑर्डर मींस कि यहाँ एक एलिमेंट 1 मैंने पहले लिखा है या बाद में लिखा, इट्स ए कलेक्शन. आप मेरी क्लास में बैठे हो, मेरा लेक्चर सुन रहे हो, मुझे क्या फर्क पड़ता कोई बच्चा फर्स्ट में बैठा या लास्ट में बैठा. क्लास प्लस 1A इज रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट of plus 1A having non-medical option. You are studying physics, chemistry, math, English, physical or computer. है कि नहीं है? तो doesn't matter. Sequence क्या है? मैंने तो पढ़ा रहा है. Roll number 1 आगे बैठा या पीछे बैठा, doesn't matter. It's a collection. Okay? आप 1 वाले elements को पहले लिख दो या बाद में लिख दो, आना चाहिए. ये order change नहीं कर सकते. कि 7 5 है और 5 7 लिख दो, वो गलत हो. यहाँ आप जो पूछ रहे हो वो पूरा का पूरा एलिमेंट, ये एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ एक. ओके बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट इज इट ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को. ओके ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4. अब ध्यान से सुनना बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का. What is written here in question number 4? State whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. Okay, Abhay, it's your turn. Unmute yourself and on your video, Abhay.
Wait, wait. Abhay, unmute yourself. Yes, ma'am. Abhay, boliye beta. Yes, ma'am. Abhay, I am not able to listen to you. Okay, Aditi. 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 बेटा आप अगर लोग बोल रहे होते ना तो आपका माइक वाइब्रेट करता है, आपको पता है हमारे पास. इफ योर माइक इज नॉट वाइब्रेटिंग मींस तो दैट मींस यू आर नॉट स्पीकिंग. जस्ट आप लोग अनम्यूट करके रुक जाते हो. हाँ जी काव्या बेटा बताइए. काव्या अनम्यूट कीजिए. यस मैम. मैम पहली फॉल्स है. यस मैम. पहला फॉल्स क्यों है बेटा, रीजन? मैम इसकी जो आउटकम्स हैं वो होंगी MN, MM, NN और NM, पर बुक में दो दी हैं, फोर आउटकम्स हैं इसकी. वेरी गुड, वेरी गुड काव्या. हमारे पास क्वेश्चन था कि इज इट ट्रू पी मेरे पास, अगर मेरे पास सेट दिया हुआ है इसमें एलिमेंट्स हैं एम एन और क्यू की ऑप्शन मेरे पास है एन एम और पी क्रॉस क्यू में मेरे पास एम एन और एन एम सिर्फ ये ऑप्शन दी है. आप खुद देखिए अगर पी क्रॉस क्यू निकालना है तो टोटल 2 × 2 कितनी ऑप्शन होनी चाहिए, 4. यहाँ कितनी दी है, 2. तो दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू. और इसको करेक्ट करके भी लिखना है. करेक्ट करके लिखना मतलब एम एन एम एम एन 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 एम चारों के चारों एलिमेंट्स आपने रिप्रेजेंट करने. वेरी गुड काव्या. नेक्स्ट मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट है इफ ए एंड बी आर द नॉन एम्प्टी सेट्स देन मेरे पास A क्रॉस B इज एन नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर x कॉमा y सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B. इज इट ट्रू और फॉल्स? 100% ट्रू. यही डेफिनेशन है मेरे पास तो ऑर्डर्ड पेयर की, कि अगर मेरे पास A क्रॉस B एक ऑर्डर्ड पेयर है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो मेरे पास एक्स और वाई कैसे एलिमेंट होने चाहिए. एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग टू सेट बी. ठीक है बेटा. चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, थर्ड पार्ट. यस हिमांशु. हिमांशु अनम्यूट योरसेल्फ. हिमांशु. Yes, ma'am. Third part will be true. Third part, बेटा, आप बताइए कि is it true or false? Firstly, let me write. Set A में 1, 2 element है, B में 3, 4 है, और A cross B intersection 5 जो है ये 5 के equal है. बताइए. Manju, it will be true. हाँ जी. ट्रू होगा. ट्रू होगा. कैसे ट्रू होगा बताइए. मैम क्योंकि मैम जब इसे दूसरी फॉर्म में देखेंगे तो मैम ये एक्स एंड वाई की फॉर्म में आएगा, इसलिए. नहीं बेटा देखो आपके पास सेट्स ही होंगे हैं ए बी. ओके समृद्धि यू विल टेल मी बेटा. यस मैम. मैम बिकॉज बी इंटरसेक्शन 5 में कुछ कॉमन है इसलिए उसका आंसर 5 आ गया एंड ए इंटू 5 पॉसिबल नहीं है तो इसलिए इट कम्स आउट टू बी 5. हाँ पॉसिबल नहीं आप कह सकते कि ए क्रॉस 5, क्योंकि हम जब भी ए क्रॉस बी लेते हैं वहां वो क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है. दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए तभी कुछ आंसर आता है, नहीं तो सेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ठीक है बिल्कुल करेक्ट समृद्धि.
तो क्लियर कट, इसमें कुछ कॉमन नहीं, फाई और ए क्रॉस फाई वो फाई होगा, इट इज 100% ट्रू। ओके बेटा क्लियर, चलिए कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एनसीईआरटी का डिलीटेड है, तो लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में, हाँ जी पुलकित आप बताओगे बेटा, अगर ए क्रॉस बी में आई एम हैविंग एलिमेंट्स ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो फाइंड ए एंड बी। यस पुलकित, वेरी गुड। ए सेट में ए भी आ जाएगा, रीजन बीइंग ए सेट कहां से बन, ए क्रॉस बी बना तो उसमें फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट लिए, और सेट बी में एक्स और वाई एलिमेंट आ जाएगा। वेरी गुड, क्लियर बेटा सबको। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। बेटा ये आपका होमवर्क है, मैंने इसके साथ की एग्जांपल करवा दी आपको, सो क्वेश्चन नंबर जो है सेवेंथ इज योर होमवर्क। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एट। देखिए क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज रिटन हियर, एलिमेंट ए मेरे पास जो है वो 1 2, और एलिमेंट इन सेट बी 3 4। फर्स्टली तो ए क्रॉस बी लिखिए, हाउ मेनी सबसेट जो है विल ए क्रॉस बी है, वो कहता है कितने सबसेट होंगे। हाँ जी आप मुझे बता सकते हो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे, कैसे लिखोगे, 1 3 1 4, देन 2 3 2 4। आपको याद है कि हमने सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे बताते थे, वेरी गुड, 2 की पावर n मेरे पास जितने, अब इसमें कितने हैं 4, तो 2 की पावर 4 16, ये है सबसेट। अगर वर्ड आ जाता प्रॉपर सबसेट तो क्या करते, मैंने तब भी बात बताई थी, अगर आ जाए प्रॉपर सबसेट, क्योंकि जब हम फाई को नहीं हटाते, प्रॉपर सबसेट में मतलब वो खुद सेट है। अब जैसे एक मान लो 1 2 3 एक सेट है, इसके सबसेट लिखे, फाई आया 1 आया 2 आया 3 आया 1 2 आया 2 3 आया 3 1 आया, लास्ट में क्या लिखे हो 1 2 3 द सेट इटसेल्फ। तो जब हम सबसेट लिखते हैं ना, हम ऐसे साथ में इक्वल टू का सिंबल डालते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर सबसेट लिखते हैं तो इक्वल टू नहीं आता, मतलब एक कम हो जाता है, तो वो होता है 2 की पावर p-1। देखो एक छोटे से वर्ड से आंसर चेंज हो गया, एमसीक्यू आया मैक्सिमम बच्चे 16 आंसर लिखते हैं, तो अगर इसी सेट का मैं प्रॉपर सबसेट पूछती तो क्या आंसर आना था, 16 - 1 15। बात समझ आई सबको बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर टू एवरीवन। बस 2 बच्चों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, 7 हुए 7, बाकी अर्षदीप मीति युवराज सिंह कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लेते हैं कि मैम से पढ़ लें, है ना, नो रिस्पॉन्स बेटा फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। अभी भी वीरती युवराज कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है मैम पूछ रहे हैं इट्स ओके। 44 रोल नंबर, हाँ जी युवराज सिंह 44 अनम्यूट योरसेल्फ, युवराज सिंह रोल नंबर 44 अनम्यूट योरसेल्फ, वेरी नाइस। वीरती अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी वीरती, मैंने क्या बताया बेटा अभी आपको, मैम इस क्वेश्चन के बारे में मैंने कोई चीज बताई अभी, कोई फॉर्मूला बताया, क्वेश्चन से रिलेटेड ही था, क्या बताया, मैम 2p-1। नहीं 2p क्या होता है बेटा,
मैम जो उसकी पावर होगी उस टू की पावर लेके और उसको ये क्या क्या कैलकुलेट करता है, ये किसका फॉर्मूला है, मैंने ये पूछा था। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बी एक्टिव सबके लिए कह रही हूँ, बी एक्टिव। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क द टीचर अगेन, मैम ये क्या आपने बताया मुझे नहीं पता चला। बेटा मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ, 2p-1 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। कितने प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, और नॉर्मली नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2p, बस। ओके बेटा, वृत्ति नाउ क्लियर, चले आगे। ओके जी, अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में व्हाट दे हैव रिटन हियर, लेट सेट ए एंड बी बी द टू सेट्स सच दैट, बेटा मेरे पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट इज 2, और उसने बोला x1 y2 z1 मेरे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में गए, तो उन्होंने कहा सेट ए और बी कैलकुलेट कीजिए। बहुत इजी है, आपको पता है कि सेट ए मतलब फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट वाला होगा, तो क्लियर कट एक्स वाई जेड, ठीक है जी। सेट बी में मेरे पास क्या होगा, 1 2, आप खुद सोचो, 3 इसमें बोले थे 2 इसमें बोले थे, आगे तभी टोटल हमारे पास कितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएंगे, 6। ओके जी, बात समझ आई सबको बेटा, गर्व क्लियर, रोल नंबर 16, यस समृद्धि, समृद्धि बोलिए बेटा। मैम जैसे इधर हमने 6 एलिमेंट्स कहा है कि आएंगे, पर क्वेश्चन में मेंशन सिर्फ 3 है, तो मैम ये तभी उसने बेटा समृद्धि देखिए, दे हैव नॉट रिटन लाइक दिस, उन्होंने सेट की फॉर्म में नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि ये उनमें से कुछ एलिमेंट्स हैं, कि ये एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा कोई और भी हो सकता है समृद्धि। अगर वो कहता कि सेट में सिर्फ इतना ही है, तो वो एक क्रॉस बी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके समृद्धि, क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनमें से 2 एलिमेंट्स मुझे दिए हुए हैं, देखिए क्लियर कट है, ये ए क्रॉस ए ही है, ए क्रॉस ए मतलब ए को ए के साथ ही देखना है ना, और 9 तभी आएगा अगर ए में कितने एलिमेंट्स हो, 3 है ना, तो आप कुछ सोचिए, तो ए सेट में मतलब पहले वाला भी ए में है और दूसरे वाला भी ए में है, तो दैट मींस क्या क्या आ सकता है, -1 0 1, बस काम खत्म, क्लियर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई बच्चा 0 पहले लिख दे, 1 बाद में लिख दे, डजंट मैटर, जो आपके लिए बदल, ठीक है ना, समझ आ गई बेटा, क्लियर। दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। टुमारो वी विल डू द टॉपिक that is relation, so please do attend the class properly so that aapko koi problem na, okay beta, clear।